कहने को झमपाट है लेकिन देखो बमफाट है। अरे वाह क्या बात है। तो नमस्कार, मैं हूं सचिन और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रयागराज के ख्याति प्राप्त कलाकार और साथ में लॉ फैकल्टी के प्रोफेसर भी डॉक्टर श्लेष गौतम जी। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार। और सर शुरुआत करते हैं बातचीत की, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त की। मेरी स्कूलिंग बिशप जॉनसन स्कूल से हुई है, इलाहाबाद में है, प्रयागराज में जो है जो सिविल लाइन्स का जो चर्च है उसके सामने है। और उसके बाद फिर मैं विश्वविद्यालय आया, बी कॉम एम कॉम एल एल बी एल एल एम और इवन डॉक्टरेट भी लॉ से मैंने इसी विश्वविद्यालय से की। और फिर नेट वगैरह ये सब तो यू जी सी से खैर होता है, आप जानते ही हैं। तो ये रहा और एक अच्छा खासा सफ़र रहा पढ़ाई लिखाई का। और मेरा ऐसा मानना है कि चूँकि पारिवारिक माहौल ऐसा था कि आज वैसे विश्व पुस्तक दिवस का भी संदर्भ कुछ हो रहा है, तो मेरी दो लाइनें हैं कि कहीं ज़्यादा कहीं पर कम मिलेंगे, कहीं ज़्यादा कहीं पर कम मिलेंगे, किताबों में सभी मौसम मिलेंगे। तो पढ़ाई से किताबों का ये रिश्ता है भाई मेरे कि किताबें क्या होती है ना, वो हमारी वैचारिकी का दस्तावेज है, हमारे थॉट्स का, आइडिया का, हमारी संवेदनाओं का, ठीक है ना। और जो भी हमने अनुभव जनित एक्सपीरियंस ओरिएंटेड हमारे पास है तो किताब की शक्ल में आती है तो लोगों तक जाती है। आज हम सूर कबीर, तुलसी, मीर मोमिन, दाग, फिराक, निराला, पंत बच्चन, कैलाश गौतम जी को क्यों याद रखते हैं, कैसे याद रखते हैं? उनकी लेखनी के जरिए जी। शरीर तो आज है कल चला जाएगा, फिर अपना दोहा देता हूँ, लिखा किया रह जाएगा रहता नहीं शरीर, लिखा किया रह जाएगा रहता नहीं शरीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर। क्या बात, आप लॉ के प्रोफेसर हैं और सर एक तरफ आप कवि हैं, दोनों दो फील्ड हैं अलग अलग दिशाओं की, सर ये कैसे एक साथ आप बैलेंस कर पाते हैं? नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं, किसी समय मैंने इसी यूपी के सिविल जज का इंटरव्यू भी दिया था, दूसरे इंटरव्यू दिए थे लोकसभा आयोग के, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मेरे पास रोने का भी समय नहीं था, अफसोस करने का नहीं था। पिताजी 2006 में गुजर चुके थे, उस समय मैं माननीय उच्च न्यायालय में मैं वकालत कर रहा था, मेरे आदरणीय गुरु जो अब नहीं है श्री भरत जी अग्रवाल, बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे अपने समय में। तो पढ़ाई लिखाई लेकिन मेरी अच्छी थी। अब देखिए कविता क्या है, वो मेरे भीतर है जी, तो मैं कहीं भी रहता तो कविता तो फूटती ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाने के क्षेत्र में तो ज़्यादा ठीक है, हो सकता है कहीं और किसी प्रतिबद्धता की जगह होता तो मैं बर्खास्त हो जाता क्योंकि मैं अपने को लिखने से रोक नहीं पाता। हालांकि मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि लिखने का अर्थ होता है समाज का निर्माण, क्योंकि कवि संवेदनशील होता है, लेखक संवेदनशील होता है। जैसे हम ऐसे कोई हमें चिकोटी काटे में दर्द हो रहा है, लेकिन जो रचनाधर्मी होता है, सर्जक होता है, दूसरे को भी कोई करे तो उसको दर्द होता है, संवेदना, वेदना से जुड़ने को संवेदना कहते हैं, तो वो अपने को एक्सप्रेस करने से रोक नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग आज भी जो लिखते हैं, मेरा यही मानना है कि व्यवस्था को सिर्फ कहीं ना कहीं सजग करना काम है, अराजकता कोई हल नहीं है, लॉलेसनेस किसी देश में, नियम कानून प्रतिबद्धता हर जगह है, हमारे घर में भी अनुशासन है, क्यों घर में नहीं तय होता भाई कौन बड़ा है छोटा है किस तरह से रहना है क्या करना, एक अनुशासन तो वहाँ पर भी है, तो वही अनुशासन समाज को भी अनुशासित रखता है, और जहाँ पे अनुशासन नहीं वहाँ यानी सब अराजक है। तो कवियों लेखकों का काम है दिशा देना और व्यवस्था को टक टक खट 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 खटाते रहना कि भाई अगर कहीं कमी है कहीं दिक्कत है तो देखो। एक लेखक का फर्ज क्या है, हो सकता है व्यवस्था का है कि भाई हमने 98% लोगों को कर दिया, बहुत अच्छा किया, मैं सैल्यूट करता हूँ, पर उन 2% की बात कौन करेगा, वो नेग्लिजिबल रेशियो में हो सकते हैं लेकिन रियल में नहीं हो सकते, क्योंकि वो जीते जागते लोग हैं, ठीक है ना, या प्राणी है, तो उन 2% की भी जो बात करें वो साहित्य सर्जक हुआ। कविताओं की शुरुआत जब आपने की तो उसमें आपके पिताजी का योगदान सबसे ज़्यादा रहा या फिर आपके गुरुजी का? मैं बता रहा हूँ, मैं लिखना पढ़ना तो बहुत पहले शुरू किया था 8th 9th में ही, और फिर 12th पास होते होते यहाँ पे एक बहुत बड़े संपादक रहे जो कि ज्ञानपीठ पत्रिका के संपादक, ज्ञानोदय के संपादक रहे और वागर्थ के, रविंद्र कालिया जी, बहुत बड़ा नाम। तो 90 दशक के मध्य में इलाहाबाद से प्रकाशित होता था साप्ताहिक अखबार गंगा यमुना, उस समय उन्होंने मेरे व्यंग लेख छापे थे, कविताएं नहीं लेख छापी थी, कविता में तब भी लिख रहा था, पर पिताजी के जीते जी आई कोट
पिताजी के जीते जी मैं कविता का मंच नहीं चढ़ा, मेरे पिताजी मुझे कहीं नहीं ले गए कविता पढ़ाने, ना उनके सामने मैं चीज़ें करता था। एक बड़े हमारे आदरणीय यश भैया हैं, यश मालवी जी, उनके सामने मैं कुछ कविताएं रख देता था, वो सुन लेते चले जाते थे। पिताजी के जीते जी तो मुझे कोई जानता भी नहीं था कि इनका लड़का है जिसका नाम श्लेष है, घर का नाम संतोष है, ज़्यादातर लोग सही जानते थे, और कविता के मंच से मेरा कोई वास्ता नहीं था। उनके जाने के बाद चूँकि कुछ लोग मुझे बोलते हुए देखे थे, मेरी कुछ उस प्रतिभा से परिचित थे कि मैंने व्यंग लेख लिखा है तो ये वगैरह, तो उन्होंने कहा कि कैलाश जी के लिए कुछ अभिव्यक्ति है बेटा, तो मैंने कविता लिखी थी कि रुका नहीं कुछ सुई घड़ी की अब भी सरकती है, लेकिन पापा कमी तुम्हारी रोज़ अखरती है, कांटे चुभते हैं पाँव में दर्द भी होता है, याद का मरहम बेबस बुक्का फाड़ के रोता है, दुख का सागर मीन अकेली खूब तड़पती है। और एक कविता सचिन भाई लिखी मैंने कि नई नई तकलीफों में दिन रोज गुजरता है, सूख रहे जख्मों को चूहा रोज कुतरता है, नई नई तकलीफों में दिन रोज गुजरता है, सूख रहे जख्मों को चूहा रोज कुतरता है, सुबह सुबह ही उम्मीदों का सूरज डूबा है, मेरा स्वागत कैसे हो सो नया अजूबा है, मेरे घर के ऊपर ही क्यों चांद सुलगता है। तो मेरा चांद सुलग रहा था, वो मुझे रोमानियत या शीतलता नहीं दे रहा था, क्योंकि अगर आप भीतर से दुखी हैं तो बाहर जितना भी कोलाहल हो, जितना भी आनंद हो, संसार में आपके लिए व्यर्थ है। तो यहीं से शुरुआत हुई। श्लेष गौतम जी, यानी कि आप जब आप समय पाते हैं तो आप किन्हें सुनना पसंद करते हैं? अब आपको हैरत होगी, मैं तो ऐसे ऐसे नए लोगों को सुनता हूँ जिनका लोग नाम भी नहीं सुने होंगे, क्योंकि कविता शायरी मेरी सर्जना क्या है ना, मैं आपको फिर बताऊँ सचिन भाई, आपके पास उम्र अधिक हो सकती है, अनुभव अधिक हो सकता है, डिग्रियाँ अधिक हो सकती हैं, पर सोच तो किसी के पास भी नहीं हो सकती है। एक 10 साल का बच्चा बहुत अच्छी कविता और शायरी कह सकता है, इसीलिए गुरु कोई भी हो सकता है। देखिए शिक्षक, एक जो औपचारिक शिक्षा व्यवस्था है स्कूल और कॉलेज की, तो वो शिक्षक होता है, हर शिक्षक गुरु नहीं होता, मार्क माय वर्ड्स, एवरी टीचर इज नॉट ए गुरु। गुरु वो है जो कि आपके लिए मार्गदर्शक का काम करे, जो आपका आपको दिशाहीन होने से बचाए, जो आपको ये बता सके कि क्या नहीं करना जरूरी है, करना जरूरी है तो बहुत कुछ पता है जी। तो ये जो जहाँ तक इसकी बात आती है, जब आप पूछते हैं ये गुरु इन संदर्भों को, तो मेरा ऐसा मानना है कि एक अपने भीतर का एक चिंतन चलता है, तो जब हम सुनते हैं तो हम तमाम, जैसे राहत इंदौरी साहब अब नहीं रहे, मेरे बड़े आदमी रहे, मेरे उनके साथ बहुत यात्रा है, बहुत मंचों में रहा, तो उनके साथ बहुत कुछ देखा मैंने, सीखा। एक फ़कीर सी ज़िंदगी थी उनकी, उनके देखिए शेरों को अब मैं कोई सफाई नहीं देने जा रहा हूँ, कुछ अलग ढंग से चीज़ें की गई, उन्होंने कुछ कब लिखा कब नहीं लिखा, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जब वो कोई कह रहा है कि भाई ऐसी सी बात है, तो वो एक सचेत कर रहा है, ठीक है ना। मैं आज फिर कह रहा हूँ कि हमारा देश भी कानून और संविधान से चलता है, और चलना चाहिए भी। जी बिल्कुल, प्रभु श्री राम ने मानस पढ़िए, मानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, जाओ अनित कुछ भाखो भाई, बर जो तो मोय भय बिसराई। वो लोकसत्ता नहीं थी श्री राम जी के समय, राज सत्ता थी, लेकिन वो लोकतांत्रिक राज सत्ता थी जिसमें लोकसत्ता नहीं थी, पीपुल्स पावर थी। राम जी कहते कि जाओ अनित कुछ भाको भाई, अगर आपको लगता है कि थोड़ी भी अनीति हो रही है, गलत हो रहा है, बर जाओ तो मोय भय बिसराई, बिना डर के मुझे हटा के आप सत्ता से बाहर कर दो। तुलसी बाबा फिर कह रहे हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीनों जाओ, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीनों ही होए बेगही नाश। बाबा कह रहे हैं कि जो रामराज की बात है उसमें क्या था कि सचिव सेक्रेटरी हाईएस्ट ऑफिशियल ऑफ द स्टेट, गुरु मतलब जो टीचर के लिए हर तरह से है, वैद्य यानी कि जो उपचार कर रहा है, जो हर तरह की बीमारी दूर कर, मानसिक शारीरिक हर तरह, सचिव वैद्य गुरु तीनों जो प्रिय बोले हैं भयास, वो सिर्फ इसलिए अच्छा बोल रहे हैं क्योंकि वो डर रहे हैं, मैन दे आर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ जी, है वो है क्योंकि उनको डर लग रहा है। तो राज धर्म तन तीनों, यानी राज स्टेट गया, राज गया, धर्म यानी कि धर्म मीन्स सिर्फ पूजा पाठ नहीं, धर्म मीन्स ड्यूटी, धर्म माने ड्यूटी, राज धर्म तन तीनों या और तन भी हो। देखिए तुलसी जी, तुलसी बाबा विशेषण लगा रहे, वेग ही नाश, नाश नहीं होगा, वेग से नाश होगा इन एन एक्सीलरेटेड फॉर्म। तो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि नए लोगों को इसलिए सुनना जरूरी है, तुलसी बाबा तक ही आते आते 60-70 की एज हो गई थी उनकी भी, नए लोग बहुत अच्छा रच रहे हैं और पुराने लोग भी, तो हम पुराने को भी सुनते हैं नए को भी। मेरा अपना ही एक शेर है, बीते कल को माने दे, जो हमारे वरिष्ठ है बुजुर्ग हैं, बीते कल को माने दे, हवा नई भी आने दे, तो नए लोगों का भी उतना ही स्वागत है। मैं बहुतों को सुनता हूँ, स्पेसिफाई नहीं कर सकता। आपके पिताजी की लिखी हुई कविताओं में से जो सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब हो? अब एक तो है नहीं, मतलब कैसे बताऊँ, उन्होंने हर विधान लिख दिया, उन्होंने दोहे लिखे, गज़ल लिखी, कविताएँ लिखी, लोक भाषा में लिखी, गद्य पद्य सब लिखा, तो पिताजी ने इतना लिखा उसमें, मतलब मैं मुझे क्या क्या मैं याद करूँ, लेकिन चलिए इलाहाबाद की बात आती तो एक जो स्थानीयता होती है ना, जो अपनी जगह को जो प्रेम,
तो 70 के मध्य पिताजी धर्मयुग जैसे पत्रिका में फुल पेज छपा करते थे। तो उसमें धर्मयुग में छपने का मतलब कि आपकी राष्ट्रीय स्तर की साहित्यिक पहचान जी। तो उन्होंने दोहा लिखा था कि जब से आया बम्बई, कैलाश गौतम जी का दोहा है, जब से आया बम्बई तब से नींद हराम, जब से आया बम्बई तब से नींद हराम, चौपाटी तुझसे बली लोकनाथ की शाम। क्या बात है, बहुत। तो ये तो पिता और पिताजी की दो पंक्तियां और अद्भुत है कि कैसे कवि जो सच्चा साहित्यकार क्या है, आलंबन आधार यही है, कैलाश जी कहते हैं आलंबन आधार यही है, यही सहारा है, आलंबन आधार यही है, यही सहारा है, कविता मेरी जीवन शैली जीवन धारा है। आपकी लिखी हुई कविता जो सबसे ज्यादा आपको पसंद है, पिछले लगभग 1.5 दशक से बड़ा लोकप्रिय है कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, तमाम साथियों को यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। क्या बात है। और एक ऐसे ही ये था कि जहां पर दूरियां पनपे वहां पर पास लिख देना, जहां पर दूरियां पनपे वहां पर पास लिख देना, जहां पर दम निकलता हो वहां पर सांस लिख देना, तुम ही उम्मीद भारत की है तुमसे इल्तजा इतनी, बदल देना व्यवस्था को नया इतिहास लिख देना, बदल देना व्यवस्था को नया इतिहास लिख देना। जैसे प्रेम पे बड़ा रहा, तो अब चूंकि मैं पढ़ाता हूँ, चूंकि कानून पढ़ाता हूँ, तो नए बच्चों में देखे कुछ भाषा के भी सौंदर्य और संदर्भ बदले हैं। जैसे मेरी कुछ पंक्तियाँ जो बड़ी लोकप्रिय रही कि खामखा तुम जस्टिफाई कर रही हो, खामखा तुम जस्टिफाई कर रही हो, मान लो कि बेवफाई कर रही हो, खामखा तुम जस्टिफाई कर रही हो, मान लो कि बेवफाई कर रही हो, दरअसल वो क्या है ये सब बोलकर और भी तुम बेहयाई कर रही हो। क्या बात। और उसी में ये संदर्भ है कि दिल में मूरत बना के बैठी हो फिर भी कहने से डर रही हो तुम, दिल में मूरत बना के बैठी हो फिर भी कहने से डर रही हो तुम, प्रेम का क ख ग नहीं मालूम शोध मीरा पे कर रही हो तुम, प्रेम का क ख ग नहीं मालूम शोध मीरा पे कर रही हो तुम, और उससे मिलने की कसक रहती है, उससे मिलने की कसक रहती है, ख्वाब मिलने के बुन नहीं पाती, उससे मिलने की कसक रहती है, ख्वाब मिलने के बुन नहीं पाती, रोज जाती हूँ क्लास में लेकिन सर जो कहते हैं सुन नहीं पाती। क्या बात है सर। और प्रेम पे सचिन देखो एक मेरा मुक्तक और बड़ा चला कि बात मेरी ही कर रहा होगा नाम लेने से डर रहा होगा, जिंदगी बेबसी का हाईवे है आज वो भी गुजर रहा होगा, आज वो भी। तो ऐसे ही याद आते हैं। और इधर बीच मैंने कुछ प्रयोग किए, देखो मैं जब प्रभु श्री राम को, हम जब अपने श्री राम की बात करते हैं तो हम उनके मूल्य और आदर्श को जीते हैं, हम उनको स्थूल शरीर में नहीं देख रहे हैं, हम उनको वैचारिकी में देख रहे हैं, हम विचार में देख रहे हैं। तो उस पर कुछ मेरे मुक्तक जो रहे उस पर मैं आप तक आना चाहूँगा। राम युग से परे राम युग बोध है, राम युग से परे राम युग बोध है, राम सीधे सरल राम अनुरोध है, राम सीधे सरल राम अनुरोध है, राम पथ है सुगम मूल्य आदर्श के, राम पथ है सुगम मूल्य आदर्श के, राम हर युग में रावण का प्रतिरोध है, राम हर युग में रावण का प्रतिरोध है, राम वैभव भी है राम बैराग है, राम वैभव भी है राम बैराग है, राम जीवन का रस राम अनुराग है, राम जीवन का रस राम अनुराग है, राम रंग में रंगी है ये पूरी धरा, राम रंग में रंगी है ये पूरी
धरा, राम सरयू भी है राम प्रयाग है, राम सरयू भी है राम प्रयाग है। और आखिरी एक और लेते हैं कि राम भी सत्य है राम संघर्ष है, राम ही सत्य है राम संघर्ष है, शोक हरता भी है राम ही हर्ष है, शोक हरता भी है राम ही हर्ष है, राम कृपा भी है राम उत्कर्ष है, राम कृपा भी है राम उत्कर्ष है, राम सुबह नई राम नौ वर्ष है, राम सुबह नई राम नौ वर्ष है। राम जी पर एक पूरी श्रृंखला चल रही है, तो उसी पर अभी मैं काम भी कर रहा हूँ, और निश्चित तौर पर अगर इसमें आगे और रहा तो और भी करेंगे। पर जो और देखिए, राम जी का भी संदेश यही था कि सब लोग मतलब प्रेम से रहें, एकता से रहें, भाईचारे से रहें, समग्रता में वही भाव था। एक मुझे अपना एक मुक्तक याद आता है कि ताऊ कहीं तो मुल्क में ताई बहस में है, ताऊ कहीं तो मुल्क में ताई बहस में, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, दीदी कहीं तो मुल्क में भाई बहस में है, बाबू कहीं तो मुल्क में माई बहस में है, बाबू कहीं तो मुल्क में माई बहस में है, रिश्तों की डोर काटते नाई बहस में है, रिश्तों की डोर काटते नाई बहस में है, तुलसी कबीरा सूर के खुसरो के देश में, तुलसी कबीरा सूर के खुसरो के देश में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बहस में है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बहस में है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंसानियत के हक में यह ऐलान होना चाहिए, कोई भी हो पहले वो इंसान होना चाहिए, धर्म जाति भाषा मजहब इसकी बातें बाद में, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। जो युवा इस फील्ड में कदम रखना चाहते हैं उन्हें सर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इसको बिल्कुल दार्शनिकता से ना लेकर व्यवहारिक पक्ष से लें। मैं अपने अनुभव से ही बोल रहा हूँ कि जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है जी। साहित्य क्या सर्जना इतना आसान नहीं है, बढ़िया सी कोटी सिला लेना, चार्ट ये सब पहन लेना और थोड़ा सा एक्शन करें, ये कविता नहीं है जी। कविता चिंतन मनन, चिंतन मनन मतलब जब आप एक एक शब्द लिखते हैं ना, तो ये जानिए कि हर शब्द अपनी इंडिपेंडेंट मौजूदगी लेता है, वो खुद मुख्तार है अपने में, कोई शब्द किसी दूसरे शब्द का मतलब नहीं है, ये बात आप मान के चलिए। उस तरह से हर भाई हम जैसे कहते हैं, मैं आपको उदाहरण दें कि वो घोड़े की रथ है जैसे हम बनारसी में कहते हैं जी। कोई कहता है कि टांगे की रथ है, कोई कहता है, मैं पॉइंट दे रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि भाषा का अपना सौंदर्य है। तो आप संधान करिए कौन सा शब्द रखना है, किस तरह रखना है, कैसे लिखना पढ़ना है, आपके आसपास क्या हो रहा है, आपका पास्ट क्या था। तो आप चिंतन मनन करिए, हो क्या रहा है कि इस भागती दौड़ती दुनिया में हर आदमी को लगता है कि हम मंच पर चले जाएं और तुरंत ही पैसा भी कमा लें, इतना आसान नहीं है जी। ये हथेली पे सरसों उगाने वाला क्षेत्र नहीं, आपको समय देना पड़ेगा। कठिन समय का हल होती है नई पहल होती, इनकलाब होती कविता गंगा। मेरी एक कविता है कि आंखें बादल बन बन बरसी तब कविता कह पाए, आपने ये सवाल किया उसका जवाब है ये, आंखें बादल बन बन बरसी तब कविता कह पाए हैं, एक खुशी को बरसो तरसी तब कविता कह पाए हैं, आंखें बादल बन बन बरसी तब कविता कह पाए हैं, एक खुशी को बरसो तरसी तब कविता कह पाए हैं, कांटों वाली सेज पे सोए तब कविता कह पाए हैं, रातों को उठ उठ कर रोए तब कविता कह पाए हैं, कांटों वाली सेज पे सोए तब कविता कह पाए हैं, रातों को उठ उठ कर रोए तब कविता कह पाए हैं, दर्द का सागर पी कर आए तब कविता कह पाए हैं, चोट पे चोट बराबर खाए तब कविता कह पाए हैं, चोट पे चोट बराबर खाए तब कविता कह पाए हैं, अपमानों का घूंट पिया जब तब कविता कह पाए हैं, अपमानों का घूंट पिया जब तब कविता कह पाए हैं, खुद हाथों से जख्म सिया जब
तब कविता कह पाए हैं, कई रात जब नींद ना आई तब कविता कह पाए हैं, महफिल ने जब दी तन्हाई तब कविता कह पाए हैं, अपनों से जब पाए धोखे तब कविता कह पाए हैं, सूझ गई आंखें रो रो के तब कविता कह पाए हैं, सूझ गई आंखें रो रो के तब कविता कह पाए हैं। तो कहने का अर्थ है कविता लंबी है, कविता इतनी सहज नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप इधर होता क्या है कि हर आदमी चाहता है कि हम रातों रात सब, ऐसा नहीं है। यू शुड सी दी जर्नी, एक पॉइंट ऑफ इनिशिएशन होता है जहाँ से शुरू करता है। हम लोगों की इसको सफलता के द्वार पर देख, सफलता के उस पॉइंट पे देखते हैं जब वो सफल है, उस सफलता के पीछे के संघर्ष को तो हम जान ही नहीं रहे। जी बिल्कुल, तो वहाँ तक आना पड़ेगा हमको। सोचना युवाओं में मैं बहुत स्पार्क देखता हूँ। देखो मैं फिर कहूँगा, युवा का लेखन शुरुआती कच्चा हो सकता है, लेकिन वो सच्चा है। क्यों? क्योंकि वो मौलिक अभिव्यक्ति दे रहा है। और मैं आज मानो कि आज का युवा, मैं फिर कहता हूँ, हमारे दौर के युवा से फिर भी वो बेहतर था और है। पर वही है कि मेरी चार पंक्तियां हैं कि तुम्हारे हाथ में तकदीर है सारे जमाने की, इन युवाओं को जिनसे मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि लेखन के क्षेत्र में जो सक्रिय युवा हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। तुम्हारे हाथ में तकदीर है सारे जमाने की, उसे खुशरंग करने की, उसे बेहतर बनाने की, मोहब्बत आरजू जज्बा समझदारी सभी तो है, जरूरत है तो बस उसको सही रास्ता दिखाने की। एक आखिरी सवाल जो मेरे मन में खटक रहा है कि सर श्लेष नाम जब आपका पड़ा तो इसके पीछे कुछ तो कारण रहा होगा, एक अलग सा। जिस समय नाम पड़ा तो हम किसी स्थिति में थे, हम पता नहीं 2 महीना थे 4 महीना, लेकिन आपको पता तो चला होगा। बाद में थोड़ा सा इसका उदाहरण ये था कि जाला कभी टिकट में तो कभी कागज में तो कभी मार्कशीट में शैलेश ये बहुत हुआ। और मैं आज भी आपसे कहूँगा कि पिताजी जो भी श्लेष अलंकार है जी, मुझे मतलब मैं बहुत विनम्रता से कर रहा हूँ, सिर्फ नाम के लिए, मेरा मैं कुछ नहीं हूँ, मैं डॉक्टर श्लेष गौतम बात नहीं कर रहा। श्लेष नाम आपको बहुत रेयर शायद ही कहीं मिले जी, है ना। तो वो पिताजी ने अगर रखा था तो अब सर मैंने तो नहीं सुना है। हाँ नहीं बिल्कुल सही, आपने सही कहा कि आप इंस्टेंटली कई सारी कविताएं लिख देते हैं। सर अगर मैं रिक्वेस्ट करूं कि झंपाट लौंडा जो हमारा चैनल है उसके बारे में आप अगर एक कविता लिखें और प्रयागराज से जुड़ा हुआ हो तो सर तो क्यों नहीं, जब ठीक है अगर वो झंपाट लौंडा है तो झंपाट जब खुद है झंपाट है तो उसके बारे में हम कितना कहेंगे, लेकिन ये है कि तुम्हारे झंपाट के लिए हम कुछ बम्फाट लिख देंगे। अरे सर बस कहने का मतलब ये है, क्या बात है। तो कुछ ना कुछ हम कर देंगे जब आप मतलब कि कहने को झंपाट है लेकिन देखो बम्फाट है ये। अरे बात, क्या बात है। आपसे मिलकर बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत ही अच्छा लगा मुझे पर्सनली भी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा। अच्छा मेरा आपसे आग्रह है, अनुरोध है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि झंपाट लौंडा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें और वो क्या वो घंटवा को दबा दें होता है तो कि झंपाट लौंडे चेहरे पूछी तभी आएगी है ना, झंपाट लौंडा तभी मुस्कुराएगा। ये इकलौता झंपाट लौंडा जिसको बजाने पे खुशी मिलती है, बेल आइकन कहते हैं ना उसको, तो झंपाट लौंडे को मतलब बेल आइकन दबा के उसको सब्सक्राइब करिए। और ये जो चेतना और वैचारिकी की जो एक यात्रा चल रही है जिसमें आनंद भी है, उसको आगे बढ़ाने में, उसको और प्रचार प्रसार देने में, उसकी गरिमा को और आगे ले जाने के लिए आप लोग अपना सहयोग दें और कहीं ना कहीं आप एक संबंध सेतु की तरह इसमें अपनी भूमिका निभाएं, ठीक है, एक कॉन्स्ट्रक्टिव ब्रिज की भूमिका निभाएं। बहुत बहुत आभार आपका। और माँ भारत भारती की वंदना की चार पंक्तियाँ कहते हैं कि कोई मन के लिए कोई धन के लिए, कोई मन के लिए कोई धन के लिए, कोई जीता है बस तन बदन के लिए, कोई जीता है बस तन बदन के लिए, याद रखती है दुनिया मगर बस उसे, याद रखती है दुनिया मगर बस उसे, जान दे दे जो अपनी वतन के लिए, जान दे दे जो अपनी वतन के लिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत आभार। तो जल्दी हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ, किसी अगली शख्सियत के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार, जय हिंद।